हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये कोई रेलवे मानव रहित फाटक नहीं है, ये लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए फाटक लगाया ग्रामीणों ने। दूसरे गांव से आने वाले वाहन चालकों को नहीं करने दे रहे हैं गांव में प्रवेश, सिर्फ हॉस्पिटल अन्य आवश्यक काम के अलावा नहीं दे रहे प्रवेश। खड़िन गांव के युवा इन दिनों कोरोना वायरस की महामारी के चलते दिखा रहे हैं जागरूकता। खड़िन से चौटन जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर मानव जन कल्याण समिति के सदस्यों ने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के चलते ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर लगातार वाहनों का आना जाना लगा रहता था। इसके चलते मानव जन कल्याण समिति के तत्वावधान में सदस्यों ने मिलकर खड़िन व जाखुड़ा का तला, तामलियार, खारा राठौड़ान, गगाला, हाथमा, सेतराव, चाड़ी उपरला सहित दर्जनों गांव का संपर्क खड़िन गांव होते हुए होता है, जिसके चलते इसी सड़क मार्ग पर वाहनों का आने जाने का सिलसिला लॉकडाउन में भी अधिक हो गया है। इसी के चलते खड़िन के जागरूक युवाओं ने मिलकर सभी रास्तों को बंद कर दिया है। मानव जन कल्याण समिति की ओर से चेक पोस्ट बनाई गई है, जिसमें आने जाने वाले सभी वाहन चालकों के आईडी प्रूफ चेक किए जाते हैं और बाहरी गाँव के आने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। जो बिना काम के इधर उधर घूमते रहते हैं उन लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। जिसके चलते मानव जन कल्याण समिति अध्यक्ष अचला राम जाखड़ ने बताया कि दर्जनों गांव का संपर्क खड़िन रास्ते से होता है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर सभी रास्तों को बंद कर दिया है। दिन भर इसी रास्ते में वाहनों का आने जाने का सिलसिला अधिक होने की वजह से गांव की जागरूक युवाओं ने मिलकर ये कदम उठाया है, जिसके चलते इन युवाओं की तारीफ गाँव वासी कर रहे हैं। साथ ही मास्क पहनने की अपील की गई है। मानक सामाजिक दूरी और आने वाले राहगीरों को और सजगता और संयमित रूप से कोरोना वायरस से सावधान रहने की अपील की गई। साथ ही खड़िन रास्ते से निकलने वाले वाहन चालकों के नाम व मोबाइल नंबर गांव सहित एक डायरी में नोट कर रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर जिले के रामसीन से खास रिपोर्ट।